वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पिछली वीडियो कंप्लीट करते कंटिन्यू करते हुए हम अब स्पीच के लिए एक सैम्पल पेपर एग्जांपल उठा कर लाए हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि स्पीच लिखते कैसे हैं, उसमें बॉडी कहाँ होती है, क्या उसका टाइटल होता है, कैसे हम क्योट्स डाल सकते हैं, किस बॉडी के पैराग्राफ को किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड थैंकिंग यू कह के हम अपने पूरे स्पीच को परफेक्ट बना सकते हैं। तो हमारे जो स्पीच का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। मेन पॉइंट क्या है कि आपको वहाँ पर कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको स्पीच का टॉपिक खुद अपने ओन से जनरेट करना है। बस आपको वो कुछ लाइन देंगे, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये किस टॉपिक के बारे में बोलना चाह रहा है। तो कुछ सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स हैं तो वो आपको लिखने हैं। जो पहला पैराग्राफ होगा वो आपको आप अपने ऑडियंस को बता रहे होंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है क्लीनिनेस की, आपके स्कूल होम और सराउंडिंग्स में कितनी ज़रूरी है सफाई। आप उसके बारे में बताओगे कि प्रेजेंट स्टेटस में आज स्वच्छता की तरफ लोगों का कितना ध्यान है। फिर हम इसमें प्रिवेंट्स डिजीज़, यानी कि हम इसके बारे में बताएंगे कि इसको करने से हमारी डिजीज़ है वो किस तरीके से हम उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। नीड टू प्रैक्टिस में हम ये भी बताएंगे कि भाई एक सफाई अभियान, यानी कि सफाई करने से इसकी प्रैक्टिस का क्या लेना देना है। नाउ इसके नेक्स्ट में पढ़ते हैं रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ द नेशन। यस, जिस शहर में ज़्यादा सफाई रहती है, क्लीननेस रहती है, उस नेशन या उस देश का एक किस्म से हम क्या देखते हैं, एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके का देश होगा, इसका करेक्टर कैसा होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे। बेनिफिट्स ऑफ क्लीनिनेस, और फिर लास्ट में हम बताएंगे इसके बेनिफिट्स, और देन इन द एंड वी विल कंक्लूड इट। कंक्लूड मीन्स हम इसके कुछ जनरल स्टेप्स डिस्कस करेंगे, तो वो हमारे स्टेप्स होंगे इन द एग्जाम्पल। हियर वी हैव द स्पीच राइटिंग एग्जाम्पल। मैंने आपको पहले ही बताया था आप इसमें पर्सनल डिटेल नहीं डालेंगे। अब आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि आपने पर्सनल डिटेल क्यों नहीं डाले। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एज मुकुल और महिमा, आपको दो नेम इंडिकेट किए गए हैं। इन दोनों को ही नेम आप अपने स्पीच के एड्रेसिंग पॉइंट में लिखेंगे, ओपनिंग लाइन में लिखेंगे। एंड इट विल से दैट एज पब्लिक स्कूल, इसने नाम आपके स्कूल का नहीं डाला है, इसने अपने ही किसी अपने इमेजिनेशन से लगा लिया, कैसे भी इसने एक पब्लिक स्कूल का नाम आपको दिया है। दैट एज ए मुकुल और महिमा ऑफ एल्प्स पब्लिक स्कूल राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर इन स्कूल असेंबली। अब आपको एक स्कूल असेंबली के लिए आपको एक स्पीच डिलीवर करनी है, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। देखो इसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि योर टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। अगर वो आपको डायरेक्ट टॉपिक देता है तो टॉपिक होता है डिबेट में, तो डिबेट में टॉपिक होता है और उसको लेकर आपको बोलना होता है, डिबेट करनी होती है। बट आपको इसमें ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट्स मिलेंगे, लाइन मिलेगी कि आप कुछ सजेस्ट करें, और क्योंकि आप इसको खुद सजेस्ट करने वाले हैं इसलिए तो हेडिंग भी आप ही की होगी, उस हेडिंग को लेकर ही आप बोल पाओगे। तो इसलिए आपको पूरी छूट है कि आप उसकी क्या हेडिंग रखना चाहते हो, बट बशर्ते वो चीज़ आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, सजेस्टिंग दैट द स्टेट्स ऑफ क्लीनिनेस रिफ्लेक्ट द करेक्टर ऑफ ए सिटीजन। हमें ये बताना है, इस बात ने हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर दी है कि हमें मेन पॉइंट ये चीज़ रखनी है दिमाग में कि कोई भी किसी भी देश की सफाई उसी के सिटीजन्स की करेक्टर को दिखाती है, चरित्र को दिखाती है, उसके बिहेवियर और उनके स्वच्छता को लेकर सजगता को दिखाती है। और 150 टू 200 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने होते हैं। नाउ हियर इज़ द यू कैन से आंसर ऑफ द स्पीच। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस मैंने लिख दिया, सबसे पहले क्या है वो टॉपिक है, और मैंने इसके नेक्स्ट स्लाइड में हर इसको अलग अलग भी लिखा हुआ है। पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि हमारी इसमें क्या है। इन द वर्ड ऑफ ग्रेट जॉन वेस्ले, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसने ये क्योट यूज़ कर लिया जिसे कहा था जॉन वेस्ले ने, वेस्ले ने। देन जो आपको पता ना हो कि किसने कहा था, लेकिन फिर भी आप डालना चाहते हो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसी का कुछ नाम डालो, बट यू कैन से इन द वर्ड ऑफ ए ग्रेट फिलोसोफर, ये डाल के फिलोसोफर डाल दीजिए। फिर आप अपनी कोई क्योट दे दीजिए, जैसे इसने दिया हुआ है क्लीनिनेस इज ग्रेट टू गॉडलीनेस। ओके, देन आपने सैल्यूटेशन स्टार्ट कर दी। सैल्यूटेशन में क्या है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई मुकुल एंड महिमा स्टैंड बिफोर यू ऑल टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। राइट, इतना ईजी है कि आप इसको एक ब्रीफली दो या तीन लाइन में एक पैराग्राफ बना सकते हो, वो आपका ओपनिंग हो जाता है, ओपनिंग पैराग्राफ। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि क्लीननेस क्या चीज़ है,
क्यों रखनी चाहिए, ये हमारे लिए कैसे है, कैसे हम इसे बीमारियों से बच सकते हैं। इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आप ही की पर्सनैलिटी को शो करती है कि आप किस एरिया के किस बंदे का किस बिहेवियर को आप शो करते हो। अब आपको बताया जाता है कि क्लीननेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता हो भाई, जैसे स्वच्छता अभियान चला गया था तो आप उसके बारे में भी डाल सकते हो, स्वच्छ भारत के बारे में भी डाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कैंपेन चलते हैं जो हमें क्लीननेस को संबोधित करते हैं, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखो अपने और इस पैराग्राफ में डाल देना। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है कंक्लूजन का, लेकिन फोर्थ पैराग्राफ भी हो सकता है, चार पैराग्राफ भी डाल सकते हो और आप इसमें तीन पैराग्राफ भी डाल सकते हो, बस इट शुड बी कम्प्लीट द 150 to 200 words। सो इन द लास्ट हमें पता चलता है कि गुड हेल्थ, हेल्दी माइंड का क्या है, एक इंश्योरिटी है, हम श्योर होके कह सकते हैं जिसके पास गुड हेल्थ है गुड माइंड भी होगा। तो ये हमें पता चलता है कि इसमें किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट में लोगों को किस तरीके से बीमार कम कर सकते हैं और किस तरीके से ये हमारे प्योरिटी ऑफ माइंड को इम्बेलेंस कर सकती है। तो आपको चीज़ें ना रेफ़र करनी है कंक्लूजन को सजेशंस देते हुए, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थैंक यू। अब आपको थैंक यू दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू एड्रेस योर ऑडियंस इन द ओपनिंग पैराग्राफ एंड यू हैव टू थैंक यू इन द लास्ट। ये आपकी बॉडी एंड स्ट्रक्चर एंड टाइटल है। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम इसी, यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा बॉडी, यू कैन से स्पीच है। अब इस स्पीच को मैंने अलग अलग हिस्सों में आपको बांट कर दिखा रही हूँ कि ये क्या चीज़ है। जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस थी वो क्या था, हमारा टाइटल थी, वो हमारी हेडिंग थी, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ तीन वर्ड्स यूज़ किए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। अब इसके आगे जो ओपनिंग लाइंस थी, ओपनिंग लाइंस में एक क्योट है और उसमें सैल्यूटेशन है। इसके बाद हमने बॉडी को रेफर किया। जो बॉडी को रेफर किया उसमें हमने दो पैराग्राफ डाले, राइट। पहला पैराग्राफ में हमने सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी कि हमें किस तरीके से प्रिवेंट कर सकती है, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को फिजिकली वेल बना सकते हैं, बीमार कैसे, इस कितनी कैसे हाइजीन रख सकते हैं। जो थर्ड जो हमें पैराग्राफ मिलता है बॉडी ऑफ स्पीच में, उसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को डाल सकते हैं कि किसने शुरू किया था कोई कैंपेन, या फिर उसका क्या मोटिव था, क्या उसे फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, ये सब चीज़ें। ऑन द थर्ड पैराग्राफ जो कंक्लूजन का है, उसमें हमने कंक्लूड किया है सारे उस पैराग्राफ को कि मेरे बोलने का एजेंडा क्या था, कि मैं क्यों बोलना चाहता हूँ स्पेशली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। अब आपके पास अगर कंक्लूजन होता है तभी आप किसी चीज़ के बारे में स्टार्ट कर पाते हो, राइट। तो किसी भी चीज़ के स्टार्ट होने से पहले उसके एंड के बारे में सोचना चाहिए। तो एंडिंग और कंक्लूजन हमारे पास दिमाग में पहले से ही होता है। और लास्ट में है थैंकिंग द ऑडियंस, यानी आप उसको जनरली क्या बोल रहे हो, थैंक यू। और वन मोर थिंग, आपको इसमें पैराग्राफ सिस्टम डालना ही डालना है, ओके। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये अच्छा इंप्रेशन है। अगर आप एक सिंगल पैराग्राफ लिख रहे हो, दैट मीन्स इट कंक्लूड इन द एसे, ओके। तो ये एसे की तरह नहीं लिखना है, आपको स्पीच की तरह लिखना है, जिसमें आपको अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुझे इस पैराग्राफ में ये चीज़ बोलनी है, इस पैराग्राफ मुझे इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, इस पैराग्राफ में मुझे इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पैराग्राफ यानी कि ये स्लाइड आपको क्लियर कर देगी कि इसमें कौन सी क्या चीज़ है। अब मैं आपको कुछ टिप्स और बताती हूँ, और इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि स्पीच राइटिंग अटैम्प्ट करने में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है, डू नॉट यूज़ द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई भी महान या फिर कोई हार्श वर्ड यूज़ नहीं करते, हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करने, आपको यूज़ करना क्योर्स का, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है बेटा। मेक ऑलवेज सेपरेट पैराग्राफ्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सिर्फ पैराग्राफ्स में लेकर जाना है, टाइटल के लिए अलग, ओपन लाइंस के लिए अलग, बॉडी के लिए और कंक्लूजन के लिए अलग पैराग्राफ्स बनते हैं। और प्लान करना है फोर्थ पॉइंट में, प्लान बिफोर यू पेन, भाई रिटर्न डाउन करने से पहले आपको प्लान करना है सारी चीज़ें, किसमें, अपने मेन पॉइंट्स में, अपने माइंड में वो सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं जो आप डिलीवर करना चाहते हैं वो एक जगह लिख लीजिए, इसकी वजह से आप बोल पाएँ। और इसमें जो फिफ्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है जो आपको यूज़ करना है टेंस, वो है प्रेजेंट टेंस। कौन सा यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस। एक स्टोरी में आप हमेशा पास्ट टेंस यूज़ करते हो, बट एक स्पीच में आप हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हो। इस प्रेजेंट टेंस का अपना ही मोटिव होता है कि आप इसी वक्त किसी चीज़ को डिलीवर कर रहे हो, राइट। तो आप इसमें और कोई फ्यूचर या फिर आप पास्ट टेंस यूज़ नहीं कर सकते।
नाउ यू कैन राइट 3-4 पैराग्राफ बट इट शुड बी अंडर द लिमिट. ओके, आप 3 नहीं 4 भी यूज़ कर सकते हो, बशर्ते बस आप उसके लिमिट को ध्यान में रखा हुआ हो आपके आपने. द थर्ड थिंग इज़ दैट क्योट्स कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, कमेंसमेंट पे यानी स्टार्टिंग में भी यूज़ हो सकता है, मिडल में भी और एंड में, इट्स अप टू यू. तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी आई थिंक. इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो वी विल कंक्लूड ऑल द थिंग्स कि हम क्योट्स किस तरीके से डाल सकते हैं, कैसे हम जनरेट कर सकते हैं. मैं आपको कुछ क्योट्स बताऊँगी जो रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हमेशा पूछे जा सकते हैं और आप हमेशा उनमें से डाल सकते हो. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस स्पीच. सो यू कैन रिटन डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड यू आर ऑल्सो माई ऑडियंस एंड आई एम ऑल्सो गिविंग माई स्पीच टू यू. इट्स अ काइंड ऑफ, सो इट्स नॉट दैट, इट्स माई लेक्चर. So there is a huge difference between a lecture and a speech. So do not get it preferred. But I have to thank you because you have to take yourself at patience level to you can say deliver. You can say to listen my speech and listen my lecture in this video. Thank you.